लीडर्स, ऑल फ्रेंड्स, ऑल हमारे डियर एंड नियर सब लोगों को बहुत बहुत हमारा नमस्कार। और आज एक खास बात करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और मैं चाहूँगा कि सब लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने परिवार का और सारे रूल्स एंड नियम फॉलो करें। और आज जो हम टॉपिक पे भी बात करने वाले हैं वो भी यहीं से शुरू होता है, लीडरशिप वर्सेस मैनेजरशिप। ठीक है, लीडर वर्सेस मैनेजर, ये क्या होता है लीडर वर्सेस मैनेजर? मैं सीधे टॉपिक पे इसलिए आ रहा हूँ कि शॉर्ट में हमें कुछ ज्यादा डिलीवरी देनी है, इसलिए हम फास्ट बात कर रहे हैं। तो लीडर वर्सेस मैनेजर, तो लीडर क्या है और मैनेजर क्या है? लीडर का मतलब यह है कि जो खुद एग्जाम्पल से लीड करे, कुछ क्वालिटीज होती हैं, और उसमें मैनेजर क्या होता है वो हम बात करेंगे। तो लीडर मतलब जो एग्जाम्पल से लीड करता है और खुद हर चीज का एग्जाम्पल बनता है। और लीडर का सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है उसका कि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं होता, ऑड सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव ही रहता है। जैसे अभी कुछ लोगों के फोन आए थे कि सर अभी ये सिचुएशन चल रही है तो कैसे क्लोजिंग होगा, कैसे होगा। मैंने बोला भाई क्या डरने की बात है, जो सबके साथ होगा वो अपने साथ ही होगा। ये बात परसों की, और कल ही अपने सत्येन भाटिया सर का मैसेज आ गया कि भाई सबका क्या क्या वो अच्छे से ध्यान रखने वाले, उन्होंने खुद ही बता दिया, तो फिर कुछ डरने की बात नहीं है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो लीडर की होती है वो ये होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो कोई भी सिचुएशन में नेगेटिव बात नहीं करता है। उसके अंदर इतना अट्रैक्शन होना चाहिए, लीडर के अंदर इतनी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि लोग मैग्नेट की तरह उसे चिपके, रोज उससे बात करना चाहें। अगर आप अपनी टीम का मतलब क्या, जो आपके लोग हैं वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, तो आप उनको मैनेजर की तरह ऑर्डर नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए, आप उनसे उनके साथ मिलकर काम करना है। जैसे लीडर का मतलब, अभी जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि आप लोग ने रामायण में सुना होगा कि जैसे राम, लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर इस दुनिया में कोई है तो वो है राम, और दूसरा है कृष्ण। अभी देखो राम का लीडरशिप ऐसा है कि जैसे वो गुरुकुल से जब पढ़कर आए तो उनको लगा, अभी मालूम था कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं इतना सारा कुछ, मेरे को वैभव मिलने वाला है, सारा कुछ होने वाला है। लेकिन जैसे वो आए और उनको पता चला कि अभी तुम्हें जंगल जाना है और अभी 14 साल के लिए, तो एक भी चेहरे पे शिकन नहीं आई। तो लीडर का मतलब क्या, इस ऑड सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव थे, वो झगड़ा नहीं किया उनके डैडी से, पिताजी से, दशरथ जी से झगड़ा नहीं किया कि ऐसा कैसे मैं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, नहीं, तुरंत उन्होंने बात को स्वीकार कर लिया और लीडर की तरह वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हो गए। फिर जंगल में गए, कितनी सारी बातें हुई, कितने लोग मिले, सबको बड़े प्यार से हैंडल करते हुए आखिर में अपने जो लक्ष्य था उसको पूरा किया। तो कहने का मतलब लीडरशिप मतलब सबसे पहला गुण यह है कि वो भी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और लीडर में हमें क्या करना है, जैसा मैंने कहा एग्जाम्पल से लीड करना है, तो एग्जाम्पल बनो हर चीज के लिए, खुद एग्जाम्पल बनना है। दूसरा, हमेशा लीडर जो है वो सोल्यूशन की बात करता है, सोल्यूशन हर चीज के सोल्यूशन की बात करेगा, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम आएगी उसको सोल्यूशन देगा। और उसकी टीम को उस पर यह भरोसा होना चाहिए कि नहीं यार ये जो व्यक्ति है, मैं कोई भी प्रॉब्लम ले जाऊंगा तो इसका सोल्यूशन वो मुझे दे देंगे। अगर आपकी टीम आपसे बच रही है, अगर आपकी टीम आपके लोग आपसे बात करने से कतरा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हो, सामने से आते रोड क्रॉस कर ले रहा है, तो समझ लो अभी बड़ा पिन आने में बहुत टाइम लगेगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, टू द पॉइंट ही मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि कुछ लीडर जो है वो मैनेजर की तरह बिहेव करने लगते हैं कि भाई आपको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, नहीं चलेगा, आप वो करके दिखाओ। अगर आपको लगता है मेरे ग्रुप ने, मेरी टीम ने बुक पढ़ना चाहिए, तो आपने कौन सी बुक पढ़ी ये उनको बताओ। अगर आपको लगता है कि वो टीम में मीटिंग में आना चाहिए या कोई सेमिनार में आना चाहिए, तो आपने कौन कौन से सेमिनार अटेंड करके क्या सीखा ये उनको बताओ, इससे वो ये सीखेंगे। आप ऐसा करो बोल दिया तो आप मैनेजर हो गए, और मैनेजर हमेशा आई बोलता है, आई मैं, और जो लीडर है तो हमेशा वी बोलता है हम। तो ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, इससे अपनेपन की बात आ जाती है, अपनापन आ जाता है लोगों में कि नहीं ये अपनेपन की बात कर रहा। तो लीडर हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा वो अच्छी सोचता है, कभी भी वो सोल्यूशन की बात करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। और फ्रेंड का मतलब ये हुआ कि लीडर, अगर आपको लीडर में फ्रेंड दिखने लगे तो आप अपने दिल की बात उसको बताने लगेंगे। आपके ग्रुप में, आपकी टीम में अगर एज अ लीडर आप फ्रेंड बिहेव करने लगे तो आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ेगी। आप ये मत समझना कि आप फ्रेंडली हो जाएंगे तो वो लोग आपसे मिसबिहेवियर, नहीं ऐसा नहीं है, फ्रेंडली हो जाएंगे तो रिस्पेक्ट रहेगा, साथ में एक थोड़ा बिहेव भी बना रहेगा, बिहेवियर अच्छा बना रहेगा। तो आपकी डाउनलाइन से आपको दोस्ती बनानी है, न कि उनको मैनेजर गिरी करनी है कि भाई आपको ये करना है, बहुत तकलीफ हो जाएगी, वो शर्म के मारे एक दो बार कर भी लेंगे, बाद में पहला सिम्टम जो शुरू होगा वो ये होगा कि वो फोन उठाना बंद कर देंगे, आपका आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपके एरिया में कहीं बाहर रहते आएंगे मिलेंगे नहीं, और कहीं चले जाएंगे, आपसे बात नहीं हो पाएगी, आपको लगेगा कि आया था मुझसे मिला क्यों नहीं,
क्योंकि आपने अभी वो मैग्नेट पैदा नहीं किया, वो चुंबक पैदा नहीं किया। और मैं हर ट्रेनिंग में बताता हूँ कि पारस पत्थर, हर कोई पारस पत्थर के बारे में जानता है। लोगों को पूछो पारस पत्थर क्या है तो क्या बोलेंगे, कि वो लोहे को टच करके सोना बना देता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लीडर वो पारस पत्थर होता है जो दूसरे को टच करके, एसोसिएट को टच करके उसको लीडर ही बना देता है। यानी पारस से हमको दूसरा पारस पैदा करना है, न कि सोना पैदा करना है। क्योंकि सोना एक बार बना दिया तो उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, अब वो सोना ही रहेगा। लेकिन लीडर अगर दूसरे को भी लीडर बना दे तो वो न जाने कितने सारे लोगों को लीडर बनाएगा। तो इस तरीके से हमको लीडरशिप की बात करनी है। और जो जो बातें मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट देना, लीडर का काम हमेशा कॉम्प्लीमेंट देना होता है। हर चीज में कॉम्प्लीमेंट देता है, वो बुराई नहीं देखता किसी में भी। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलेगा। वो अच्छा क्या कर रहे हो वो बताएगा, और साथ साथ में वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देगा। अपनी टीम में हर तरीके के लोग आएंगे, आपकी टीम में छोटे उम्र के लोग आएंगे, आपसे बड़े लोग आएंगे, आपके बराबरी के आएंगे, आपसे गरीब भी आएंगे, आपसे अमीर भी आएंगे। तो जैसा कि राम और कृष्ण एक लीडरशिप का बड़ा एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने कहा, तो राम ने क्या किया था कि बंदरों को हैंडल किया था, वानर सेना को हैंडल किया था, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, तो वैसे लोगों को भी आपको हैंडल करना है। और कृष्ण ने बहुत ही एजुकेटेड पांडव लोगों को हैंडल किया था, जो बहुत धुरंधर थे, हर चीज में मास्टरी थी उनकी, तीर चलाने में, कोई गदा चलाने में, कोई भाला चलाने में, उनको उन्होंने हैंडल किया। तो ये दोनों क्वालिटी हमको एज अ लीडर आनी चाहिए, तब जाके हम लोगों को हैंडल कर पाएंगे। और नहीं तो फिर आप जैसे स्टेज पे आए, अगर लोगों की ताली नहीं बजी तो समझ लेना कि कहीं कुछ कमी है, अभी लोग आपको प्यार नहीं करते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सारे गुण सक्सेस का ये भी एक पार्ट है कि जब आप स्टेज पे जाएं तो 10 लोग आपके लिए ताली बजाएं, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सर आ गए अभी तो कुछ खास बात होगी। तो जब ये होने लगे तब समझ लेना आप सही ट्रैक पे हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो खुद ही आप अपने आप को चेकलिस्ट में डाल सकते हो कि मेरे में कहाँ कमी है और क्या ठीक करना है। तो हम्बल बनिए, और हम्बल रहने का फायदा ये है कि जैसे मैं एक हमेशा एक बात बताता हूँ कि रहीम कवि बहुत फेमस कवि है, जो संत कवि कहलाते अकबर बादशाह के जमाने में थे। तो एक बार एक मुशायरे में गए थे, तो जैसे ही वो मुशायरे में गए तो वहाँ एक नया कवि कोई आया था, उसने नए कवि ने बहुत ही अच्छी कोई कविता सुनाई, इनको एज अ रहीम को, ये रहीम को बहुत पसंद आई, हालांकि ये बहुत बड़े कवि थे, संत कवि थे। तो वो क्या गए, घर पर गए और रात को चुपके से एक गिफ्ट एक नौकर के हाथ से उन्होंने उस कवि को भिजवा दिया। और जैसे ही उन्होंने भिजवाया तो वो जो सोच में पड़ गया, वो आदमी, वो जो नया कवि था, वो सोच में पड़ गया कि ये मेरे को सामने सबके भी दे सकते थे मुझे, लेकिन इन्होंने अकेले में क्यों भेजा। तो अकेले में भेजा तो उस छोटे कवि ने वहां से एक सवाल लिख कर भेजा उस नौकर के हाथ से, उस सैनिक के हाथ से, कि सीखी कहां नवाब दी ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। इससे क्या साबित, इससे सवाल का ये मतलब था कि आपने ऐसा देना कहां सीखा कि आप हाथ जितना ऊंचा उठा रहे उतनी आंखें आपकी झुक रही हैं। जनरली लोग दे रहे हैं तो बहुत बड़ा ईगो आ जाता है कि मैंने दी, लेकिन यहाँ वो सवाल कर रहा है संत कवि से, रहीम से, कि आपने ऐसा देना कहां सीखा। तो जैसे ही रहीम के हाथ में वो जो क्वेश्चन आया तो रहीम ने उसका जो जवाब दिया वो ऐतिहासिक जवाब है। और वो जवाब सुनने के बाद आप सबको भी ये लगेगा कि नहीं, हमें हम्बल बनने में ज्यादा फायदा है, इगोइस्टिक बनने में कोई फायदा नहीं। तो रहीम ने उसका जो जवाब दिया, बोले देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग हम पे भरम ना करें तासे नीचे नैन। यानी लोग, उन्होंने ये जवाब दिया कि देने वाला तो कोई और है, लोग मुझ पर भरोसा ना कर ले, मेरे पे भ्रम ना पैदा कर ले कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मैंने छुपके दिया कि देने वाला तो कोई और है, मैं कौन होता हूँ देने वाला। तो ये जो हम्बलनेस है ये लीडर का पहला क्वालिटी है। और ये सारा कुछ करें तब जाके आप एक बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं, लोग आपको प्यार करेंगे। और लोगों पे ऑर्डर अगर आपने जमाया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लोग जो है वो आपके नौकर नहीं है। इस बिजनेस में जो टीम है वो आपकी नौकर नहीं है, ना आप अपने अपलाइन के नौकर है। जैसे अपलाइन एक टीम बना के चल रहा है और आप भी अपनी टीम बना के चलो, आपने देखना है कि जो बिहेवियर आप अपने डाउनलाइन के साथ कर रहे हो और आपको जो बिहेवियर अपलाइन का अगर पसंद नहीं आया तो समझ लेना कि ये बिहेवियर हमें अपने डाउनलाइन के साथ भी नहीं करनी है। तो ये सीखने वाली बात है, क्योंकि अपलाइन भी एक इंसान है, वो गलती कर सकता है। तो हमारा काम है कि हर चीज को समझ के ले। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि अपडेशन बहुत जरूरी है, हर चीज में अपडेशन बहुत जरूरी है। आप रोज कुछ ना कुछ नया सीखें, रोज कुछ ना कुछ नया समझें, तब जाके आप जो है अपनी टीम को एजुकेट कर पाएंगे और अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और लोगों को आप नया नया कुछ दे पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि मेरी कुछ बात है, कुछ मैसेज है जो आप तक गया होगा, और बहुत जरूरी है कि आप ये सारे सिस्टम को फॉलो करें, अच्छे लीडर बने। और जाते आते मैं इतना बता दूं कि आते हैं सब रोते हुए, ये जो हमने सुना है उसी का एक मैं जो अंतर आपको आज सुना दे रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते जो दिलों को,
वो झुका दे आसमां, और जो सितारों पर प्यार की कहानी लिख जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो हम सबको ये मैसेज लेना है और इस ऑड सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना है और अपनी टीम को भी संभालना है और टीम के साथ कनेक्टेड रहना है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड टाइम सी।